हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज का जो गेम प्ले होगा वो होगा अनचार्टेड 4 का। बहुत ही अमेजिंग गेम है, बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स हैं इसके। और गाइस, आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा और खेला भी होगा इसको, और जिनको इसके बारे में नहीं पता उनको पता चल जाएगा। आपके साथ ही मैं इसको खेलूंगा, एपिसोड वाइज इसको अपलोड करूंगा। तो गाइस, ये गेम शुरू हो चुकी है, इसका पहला सीन चल रहा है। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम नेथन है और इसका भाई जो है वो सैम है। ये एक बोट में चल रहे हैं अभी। बहुत ही तेज़ यहाँ पे लहरें इनके ऊपर आ रही हैं। और गाइस देखिए, यहाँ पे पीछे से इनको एनिमीज़ ने अटैक भी कर दिया है। पीछे से काफ़ी बोट्स आ रही है जो इनके ऊपर अटैक करने को आ रही हैं। अब यहाँ पे हमारे भाई सैम ने गोली निकाल ली, पिस्टल निकाल ली अपने जेब से, हम इसका पूरा यूज़ करेंगे। और गाइस, यहाँ पे बोट का कंट्रोल भी हमारे हाथ में आ चुका है। हम नेथन और यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं बोट को। बहुत ही ख़राब मौसम हो रहा है गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे गाइस फायरिंग चालू हो चुकी है उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। बहुत ही सारी यहाँ पे बोट्स हमारे ऊपर एक साथ अटैक करने को आ गई हैं। चारों तरफ से यहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं। और गाइस, एक बोट तो बिल्कुल हमारे साथ में आ गई है। देखते हैं इसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। उसको अटैक कर रहे थे लेकिन उसको तो कुछ नहीं हुआ। साथ वाली बोट को बहुत कुछ हो गया। वहाँ पे उसका एक बंदा हमारे आगे आगे पहले गिरा, फिर उसके बाद पानी के अंदर गया और एक और बोट को हमने ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे एक और बोट को हमने ख़त्म कर दिया। आधे एनिमीज तो गाइस हमने ऐसे ही ख़त्म कर दिए मार मार के बोट से, लेकिन कोई अंदाज़ा नहीं है यहाँ पे कितनी बोट्स हमारे सामने हैं। काफ़ी बोट्स यहाँ पे इकट्ठी हो रखी है हमें अटैक करने के लिए। नॉन स्टॉप फायरिंग चालू है उनकी तरफ से। और गाइस, ये क्या, हमारे सामने एक जाइंट सी बोट आ गई हमसे बहुत बड़ी, और हमारा इसके ऊपर अटैक करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा हमारी बोट पर ही लगी। यहाँ पे पूरी तरफ से घिरे हुए हैं गाइस, और यहाँ पे अब ऊपर से बमबारी भी हो रही है। यहाँ पे बमबारी भी हो रही है, कभी हमारे बोट पे लग गई तो हम गाइस यहाँ पे घायल हो सकते हैं बुरी तरीके से। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में गाइस हम यहाँ पे। और गाइस, जिस बात का डर था वही हुआ, एक बम का गोला हमारी बोट पे आगे गिरा और यहाँ पे हम बोट से उछल के पानी के अंदर गिर गए। एक चीज़ देख के अच्छा लगा कि हमें स्विमिंग भी आती है। और गाइस, यहाँ पे हमारे मुंह पे लाइट सी पड़ रही है, सामने लगता है एनिमीज़ हैं। और यहाँ पे एनिमीज़ को देख के हम वापसी पानी के अंदर चले गए, और यहाँ पे बाल बाल हम बोट के फैन से बचे, नहीं तो अभी सिर हमारा धड़ से अलग हो जाता। और गाइस, अब वापसी हम ऊपर आ रहे हैं, हमारा भाई सामने खड़ा हमें आवाज़ दे रहा है, हम आ रहे हैं भाई तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। ज़रूरत के टाइम पे भाई ही काम आता है। और यहाँ पे हम बोट के ऊपर आ चुके हैं। हमारा भाई कह रहा है कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे बस कवर दें, बाकी सब वो देख लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, हम भी चुपचाप बैठ के तमाशा नहीं देखेंगे भाई की, हम यहाँ पे मदद करेंगे। हमारे हाथ में भी पिस्टल है, सामने से एनिमीज आके अटैक कर रहे हैं, हम भी इनके ऊपर अटैक करेंगे। और यहाँ पे गाइस, एक एनिमी को हमने ढेर कर दिया, दूसरे एनिमी को भी बताते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे दूसरे के भी सिर पे एक गोली लगी, सिर पे लगी या छाती पे लगी, कहीं पे लगी। और गाइस, द वे आई एम प्लेइंग द गेम, प्लीज़ जज मत करना है इसको, अभी हाथ बैठा नहीं है गेम पे। और गाइस देखिए, यहाँ पे कैसे उनकी बोट के अंदर बम फट गया। यहाँ पे हमने लगता है वहाँ पे फायरिंग करी उनकी बोट पे लगातार, तो वहाँ पे कोई बारूद पड़े थे जो फट गए। और बोट वो आगे जा चुकी है और दूसरी बोट उसको रिप्लेस करके यहाँ पे आ चुकी है। छोटी बोट है यहाँ पे, लेकिन दो आदमी हैं उसके अंदर भी हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। और सामने से भी एक और बोट आ चुकी है, पता नहीं कितनी बोट इन्होंने इकट्ठी कर दी हमारे चारों तरफ, हर तरफ से यहाँ पे अटैक हो रहा है। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में यहाँ पे हम। लेकिन गाइस देखिए, हम सिर्फ दो बंदे हैं फिर भी हम यहाँ पे कैसे इनको टक्कर दे रहे हैं। लेकिन गाइस, देखना होगा कब तक ये फाइट चलती है, हम भी मार मार के थक गए हैं यहाँ पे। और गाइस, यहाँ पे एक बंदे को और ढेर कर दिया हमने, दूसरे वाले को भी यहाँ पे डैमेज दिया, और यहाँ पे दूसरे को भी ढेर कर दिया। और गाइस, हमारा भाई कह रहा है कि अब यहाँ से हम निकलते हैं, और हम ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं, अब बोट को भगाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी एनिमीज़ को तो गाइस हमने मार भी दिया, अब यहाँ से निकलना ही सही होएगा। और यहाँ पे दोबारा से हमारे साथ में आ गई है बोट्स दो, और एक बोट को हमने उड़ा दिया। अब गाइस, जैसे भी करके बस हमें यहाँ से भागना होगा, गोली की स्पीड से यहाँ से निकलना होगा। और गाइस, जो जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पूरी गेम के मज़े लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और गाइस, लगता है यहाँ पे राइट से कुछ आ रहा है, बहुत ही बड़ी स्टेप यहाँ पे राइट से आ रही है, और उसने टक्कर दी हमें और हम नीचे गिर गए। यहाँ पे पूरी तरह ब्लैकआउट हो चुका है यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे हम डायरेक्टली दूसरे सीन पे आ चुके हैं। लगता है यहाँ पे नेथन के बचपन की कहानी दिखाई जाएगी अब। और यहाँ पे नेथन नाराज सा दिख रहा है,
और यहाँ पे सिस्टर उसको लगता है कुछ समझाते हुए, पहले पूरी बात सुन लेते हैं इनकी. Now you have to stay here with me all weekend instead of going on the retreat with everyone else. I don't care. Yes, that is the crux of the problem. I don't see why I'm the only one being punished. Because you started the fight. He wouldn't give me back my book. I told you to leave those books in your room. You only have yourself to blame. Doesn't give him the right to just snatch it from me. Does that give you the right to... और गाइस यहां पे पता चला कि नेथन किसी से लड़ गया है. It wasn't just about the book. Was it then? Nothing. I'll save it for confession. No matter what I try, you seem insistent on going down the same sad road as your brother. और गाइस यहाँ पे सिस्टर नेथन को कहते हुए कि वो उसको जितना भी समझा ले वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, अपने भाई की तरह, सैम की तरह. और यहाँ पे नेथन विंडो की तरफ देख रहा है, वहां पे लगता है उसको कुछ दिख रहा है. वहां पे उसका भाई सैम खड़ा हुआ है, वो वहां से लगता है टॉर्च मार रहा है इसकी तरफ, इंडिकेशन दे रहा है कि वो वहां पे आ चुका है. और यहाँ पे वहां तक जाएंगे कैसे देखना होगा. यहाँ पे लगता है हमें जंप करते हुए पूरी टेरेस पार करते हुए जाना होगा उस तक. काफी दूर खड़ा हमारा भाई सैम. जैसे जैसे रास्ता मिलेगा गाइस वैसे वैसे हम जाते जाएंगे. और गाइस यहाँ पे काफी स्टीप स्लोप था, इस पे हम ऊपर चढ़ नहीं पाए, तो दूसरा रास्ता देखना होगा कोई. और यहाँ पे विंडो के जरिए हम ऊपर चढ़े. और गाइस ये तो कहना होगा कि यहाँ पे नेथन जो है स्पाइडरमैन से कम नहीं है. और अब हमने एक पाथ तो यहाँ पे क्रॉस कर लिया. काफी खतरनाक ट्रैक है यहाँ पे गाइस, बहुत ही मुश्किल रहेगा यहाँ पे छतों को पार करना. और गाइस यहाँ पे हम किसी रूम में एंटर कर चुके हैं. देखना होगा यहाँ पे हम कहाँ पे आए हैं और क्या करना होगा. यहाँ पे हमने डोर खोला. और गाइस यहाँ पे हमें कवर का इंडिकेशन आ रहा है. और गाइस पता लगा कि सामने जो है सिस्टर है वो लगता है किसी प्रोफेसर के साथ खड़ी है. और गाइस यहाँ पे हमारे बारे में ही बात चल रही है. Look, I'll talk to him in the morning, okay? Good night, father. Good night, sister Catherine. और गाइस यहाँ पे जो फादर है वो जाते हुए अब. और गाइस यहाँ पे सिस्टर जो है वो अंदर जा चुकी है रूम की. अब देखना होगा हमें यहाँ पे क्या करना है. और गाइस देखिए यहाँ पे कैसे नेथन टाइगर श्रॉफ की तरह पलाकियां मारते हुए. इस पूरी गेम में हमें टाइगर श्रॉफ ही बनना होगा, ऐसे ही चलना होगा पूरी गेम में. और गाइस देखिए यहाँ पे कैसे हम छुप छुप के देख रहे हैं सिस्टर को. और यहाँ पे हमें कवर करना होगा अपने आप को, नहीं तो सिस्टर देख लेगी हमें. गाइस हमें उस सामने विंडो के पास जाना है. Move it, sister. हम इंतजार कर रहे हैं बस यहाँ पे सिस्टर के निकलने का. और गाइस जैसे जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ रही है वैसे वैसे हम फॉलो करते जा रहे हैं. सिस्टर अभी हमारी तरफ ही देख रही है, हमें अपने आप को कवर में ही रखना होगा. और गाइस जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिख रही है कि जैसे ही यहाँ पे हमें सेफ लगे, जैसे ही यहाँ पे सिस्टर की नज़र हटे हमारी तरफ से, हमें एल और ओ को दबा के यहाँ पे सामने की तरफ चले जाना है.
ये सिस्टर क्या देख रही है गाइस यहाँ पे झाक झाक के, जैसे उसे शक हो रहा है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और गाइस देखिए यहाँ पे कैसे हमने रिस्क लिया, यहाँ पे बाल बाल बचे हम। अगर वो जो मार्क था सिस्टर के ऊपर पूरा फुल हो जाता ऊपर तक, तो हम यहाँ पे पकड़े जाते, कान से पकड़ के हमें बाहर ले जाती सिस्टर। और यहाँ पे सिस्टर जा रही है गाइस हमारे पास मौका आते हुए। और गाइस सिस्टर जो है रूम के बाहर जा चुकी है, अब हमारे लिए पूरा रास्ता साफ हो चुका है, लगता है अब हम अपने भाई के पास पहुंच पाएंगे। और हम यहाँ से इसकी खिड़की से नीचे आ चुके हैं और भाई हमारा सामने की तरफ खड़ा हुआ, सामने वाली छत पे। और अब लगता है उससे मिलने का टाइम ज़्यादा दूर नहीं है। और गाइस देखना होगा अब यहाँ पे हम कैसे क्रॉस करें इस हर्डल को। और यहाँ पे बहुत ही लंबी छलांग मारी हमने। गाइस ये जो नेथन है बहुत ही बढ़िया एथलीट है, जो भी इसके हाथ में आता है किसी भी चीज का सहारा लेके ऊपर चढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए पाइप कैसे टूटने को हो रही है बिल्कुल, और उसके सहारे भी ऊपर चढ़ गया। वक्त आने पे बिल्ली और बंदर को भी टक्कर दे देगा गाइस ये। और गाइस यहाँ पे कोई बैग पड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारा भाई आ गया, हमें खुशी से उसने पकड़ लिया, वो भी खुश हम भी खुश, आखिरकार हमारा मिलना हुआ पूरा। तो गाइस आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। हम देखते हैं आगे दोनों भाई मिलके क्या करते हैं, बहुत ही मजा आएगा आगे। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे के सारे पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और गाइज आगे से कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है थोड़ी लंबी बनाए। तो चलिए गाइज टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।